ओके बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायोएनर्जेटिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में जब मैंने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी तो वहां पे मैंने आप लोगों से ये चीज कही थी कि हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर जो डिफरेंट आपके बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मेटाबोलिज्म को स्टडी करना है। और मेटाबोलिज्म में बेसिकली हम ये चीज देखते हैं कि कोई फ्यूल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका कैटाबोलिक पाथवे अगर एक्टिवेट है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो किस किस स्टेप पे कितनी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह से अगर आप एनाबोलिक पाथवेज की बात करते हो तो ये कंस्ट्रक्टिव पाथवेज होते हैं, ऐसे पाथवेज जिनमें सिंपल जो प्रिकर्सर्स हैं उनकी असिमिलेशन रिएक्शंस के बाद आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। और चूंकि ये पाथवेज रिडक्टिव इन नेचर होते हैं, इनमें आपके पास न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होनी होती है, तो ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं जिनमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की इनपुट प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो सिंपली ये चीज माइंड में रखिएगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म को पढ़ने से पहले हमेशा बायोएनर्जेटिक्स और इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। और ये हम क्यों डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करने की रीजन ही ये है क्योंकि जब तक हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले एनर्जी चेंजेस और उन एनर्जी चेंजेस का उन रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और किस तरह से ये उस रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में पुश करते हैं, इस चीज को हम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बायोएनर्जेटिक्स देखनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद हम वन बाय वन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का जो मेटाबोलिज्म है उसको टारगेट करेंगे। सो सबसे पहले ये चीज क्लियर होगी कि बायोएनर्जेटिक्स हमने पढ़ने क्यों है, ताकि हमें एनर्जी ट्रांसडक्शन का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसका पता चल सके और उसके मीनिंग्स भी पता चल सके कि किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी वैल्यू इतनी आती है तो इट मींस कि वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, और अगर उसमें एनर्जी इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाती है तो वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि अगर वो अनफेवरेबल है तो फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाता है, उस केस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में किस तरह से कन्वर्ट होती है। सो जब भी हम बायोएनर्जेटिक्स को देखते हैं तो पहले ये चीज माइंड में क्लियर करनी चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इट्स डेफिनेशन या इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली बायोएनर्जेटिक्स कहते किसे हैं, बायोएनर्जेटिक्स है क्या। सो बायोएनर्जेटिक्स आपके पास वो डिसिप्लिन है जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले एनर्जी ट्रांसफर जितने भी पाथवेज हैं उनको स्टडी करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव है ये एक तरह का एक्सप्रेशन जिसमें आप एनर्जी चेंजेस को कैलकुलेट करते हो। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने सिंपलीफाई करूं तो यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हो, एक प्रोसेस है आप लोगों के सामने, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें आप ये देख रहे हो कि सनलाइट एक मेजर सोर्स है जो कि अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, प्लांट्स उस एनर्जी को जो है वो पिक करते हैं, उसको यूज करते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी मशीनरी होती है जो कि इस एनर्जी को यूज करते हुए सिंपल जो प्रिकर्सर्स है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको किसमें कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में, यानी यहाँ पे आपके पास ये एनर्जी कंज्यूम हुई है, एनर्जी यूज हुई है। यही फूड जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको कंज्यूम करता है, लाइक ये जो ग्लूकोज है इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो इनके पास कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी की कुछ अमाउंट को हीट की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। सो एक ग्लूकोज के बनने में कितनी एनर्जी यूज होती है और एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगर हम सिंपल ये कहते हैं कि एक ग्लूकोज जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उससे 30 या 32 एटीपीज बनते हैं, 30 या 32 एटीपीज बनेंगे, और एक एटीपी में कितनी एनर्जी होती है, -30.5 किलो जोल पर मोल। इसका मतलब है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, क्वांटिटेटिवली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ब्रांच जिसके अंदर आप क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं किस चीज की, एनर्जी ट्रांसडक्शन की, कि अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है एनर्जी ट्रांसडक्शन का
और इसमें हम सिर्फ उस पर्टिकुलर रिएक्शन को ही नहीं देखते या हम सिर्फ एनर्जी को ही कैलकुलेट नहीं करते, हम उस पूरे रिएक्शन या उस पूरे पाथवे को भी अंडरस्टैंड करते हैं जिसमें एक्चुअली वो एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। सो हम कह सकते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स में दो चीजें देखेंगे, पहली चीज एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा उन रिएक्शन या उन पाथवे को भी अंडरस्टैंड करेंगे जिनके अंदर वो एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। लाइक यहाँ पे आपने फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट पाथवे देखना है और यहाँ पे आपने जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है। सो बायोएनर्जेटिक्स में आप क्वांटिटेटिवली एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन और उन रिएक्शन पाथवे को एनालाइज करोगे जो कि उन एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। एनर्जी की बेस पे हम रिएक्शंस को फर्दर टू टाइप्स पे डिवाइड करते हैं जिसमें मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ, लेकिन एक जनरल ये चीजें आप लोग जो है वो पहले भी काफी हद तक डिस्कस कर चुके हो कि जब भी कोई बायोलॉजिकल सिस्टम या कोई भी फिजिकल या केमिकल सिस्टम एनर्जी को इनटेक करता है या एनर्जी को रिलीज करता है, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर चाहे वो लिविंग है वो फिजिकल या केमिकल सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर भी एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं, एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन के पाथवेज चल रहे होते हैं, हमेशा वो इन जो दो लॉस हैं उनको ओबे करते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं जितने भी बायोकेमिकल या केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस जो कि एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है हमेशा वो इन लॉस को ओबे करेंगे, वो इन लॉस को डिसओबे कभी भी नहीं करते। जिसमें पहला लॉ है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ इज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसकी अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो कि यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स का कहोगे, सो इन दोनों लॉस को हम हमेशा अप्लाई करते हैं यूनिवर्स पे। सो यूनिवर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट इज एक्चुअली अ कंबिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, यानी इसमें आपके पास एनवायरनमेंट भी आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है जिसको आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टडी कर रहे हो, एनालाइज करते हो। इस पूरे जो आपके पास कंपोजिशन है इसको आप क्या कहोगे, यूनिवर्स। सो पहला जो लॉ है ये कह रहा है कि आपके पास यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी की कंटेंट्स हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, एनर्जी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट जरूर होगी। ठीक है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट जरूर होगी लेकिन हमेशा वो यूनिवर्स के अंदर ही रहेगी। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, हीट में जा सकती है, लाइक अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी थी वो डिफरेंट फॉर्म में थी, सोलर एनर्जी। जैसे ही प्लांट्स ने इसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स हैं जो कि इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज की फॉर्म में केमिकल एनर्जी। अगेन ये एनर्जी जब आपके पास यहाँ पे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने इस ग्लूकोज को इंटेक किया तो उसने इसकी कुछ अमाउंट को एटीपी अगेन एक दूसरी फॉर्म केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, कुछ फॉर्म को हीट में कन्वर्ट कर दिया, और बाद में ये एटीपी जब सेलुलर प्रोसेसेस में यूज होगा तो यहां से कुछ केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर आपकी मसल मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ एटीपी तो यहाँ पे आपकी ये जो केमिकल एनर्जी इस एटीपी के अंदर प्रेजेंट थी कि एक्चुअली किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन अभी भी ये सारी एनर्जी एक यूनिवर्स के अंदर ही प्रेजेंट है, फॉर्म बेशक चेंज कर रही है लेकिन वो यूनिवर्स से कहीं बाहर नहीं गई। सो यस, आपके जितने भी सिस्टम जो एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं, वो एनर्जी की अमाउंट को कांस्टेंट रखते हैं, उसे चेंज करते हैं वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड लॉ जिसको समटाइम्स लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। एंट्रोपी आप लोग जो है वो बायोकेम वन में भी इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि एंट्रोपी इज इक्वल टू रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपके पास वो सारे प्रोसेसेस फेवरेबल प्रोसेसेस होंगे जिनकी वजह से यूनिवर्स में डिसऑर्डर क्रिएट होगा, जिनकी वजह से यूनिवर्स में
एंट्रोपी इंक्रीज होती है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है। फेवरेबल का मतलब ये है कि ये ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिनको करवाने के लिए आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज इस केस में रिएक्टेंट्स ऑलरेडी जो है उनके पास एनर्जी अवेलेबल होगी। सो इसकी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टार्च या हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। अगर आप स्टार्च के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, उसमें आपके पास मल्टीपल अल्फा डी ग्लूकोज लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस स्टार्च को अगर आप एज अ फूड इनटेक करते हो, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इन बॉन्ड्स को टारगेट करके ब्रेक कर सकते हैं। कौन से एंजाइम्स हैं वो? अमाइलेजेस। अमाइलेजेस इन बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे आपके पास क्या चीज इंक्रीज होगी? एंट्रोपी, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फेवरेबल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि ये प्रोसेस जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। तभी जब हम स्टार्च को एज अ फूड इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, और जैसे ये बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होंगे आपके पास जो है एनर्जी रिलीज होगी। सो ऐसे सारे प्रोसेसेस जिनकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है वो फेवरेबल प्रोसेसेस होते हैं, और वो प्रोसेसेस जिनकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं किसी दूसरे ऐसे प्रोसेस के साथ जो कि एंट्रोपी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। यानी ओवरऑल जो है ये प्रोसेसेस यूनिवर्स की एंट्रोपी को हमेशा क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, सो जितने भी एनर्जी ट्रांसडक्शन वाले आपके रिएक्शंस होंगे, एनर्जी ट्रांसडक्शन के पाथवेज होंगे, वो हमेशा इन टू लॉस को ओबे करेंगे। अगर कोई कंडीशन ऐसी हो रही है जिसकी वजह से एंट्रोपी के डिक्रीज होने के चांसेस हैं, तो वो आपका जो सिस्टम है वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। आप लोगों को याद होगा माइसील फॉर्मेशन में हमने यही चीज देखी थी ना, कि अगर माइसील्स ना बने तो एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए आपके जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं? बायलेयर या माइसील्स के स्ट्रक्चर्स में जाते हैं, बिकॉज उन्हें हर हाल में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करना है? नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको रिलेट करेंगे विद हीट। ओके, सपोज आपके पास ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आप ए की कन्वर्जन बी में चेक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपने सी की कन्वर्जन चेक करनी है डी। ठीक है, ये दो रिएक्शन हैं आपके पास। अब किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को चेक करने के लिए हम उस रिएक्शन की एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं? फ्री एनर्जी। ठीक है, ये मैं अभी आपको इस तरफ की फ्री एनर्जी क्या होती है और किस तरह से ये बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी से डिफरेंट है। अब कोई भी जो आपके पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, हमेशा इनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूर होती है। ठीक है, सपोज इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन ए के अंदर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्टेंट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे अभी आपने स्टार्च का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, उसको माइंड में रखिएगा कि आपके पास सपोज यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है ये स्टार्च है जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स है, और जो प्रोडक्ट है ये आपके पास ग्लूकोज है जो कि सिंपल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। सो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? स्टार्च के पास, रिएक्टेंट्स के पास, और प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी क्या है? कम है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपकी जो रिएक्टेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स है और प्रोडक्ट्स क्या है? सिंपल है। यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स का वर्ड इनकी एनर्जी वैल्यूज को देखते हुए मैंने कहा। अब दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो सिंपल है। सपोज यहाँ से आप ग्लूकोज से स्टार्च की फॉर्मेशन देखते हैं, ग्लूकोज या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स है और रिएक्टेंट्स क्या है? सिंपल है। अब इस केस में आप क्या करते हो? इन दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करते हो, यानी ओवरऑल रिएक्शन के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो? आप डिफरेंस लेते हो। किसका डिफरेंस लेते हो? एनर्जी वैल्यूज का। किनकी एनर्जी वैल्यूज का?
प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करते हो किसकी एनर्जी से, रिएक्टेंट की एनर्जी। इसी तरह से आप यहाँ पे भी डिफरेंस लोगे, डेल्टा जी विच इज इक्वल टू एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स। सपोज इस केस में आपके पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो कम है, क्योंकि प्रोडक्ट सिंपल है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। हम कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज प्रोडक्ट के लिए हम लिख लेते हैं 20 और रिएक्टेंट्स के लिए कितने लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -80 किलो जोल पर मोल। दूसरी तरफ आपके पास ये जो रिएक्शन है, इसमें आपके पास प्रोडक्ट चूंकि कॉम्प्लेक्स थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी 100, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी, और यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा 80 किलो जोल पर मोल। यानी किसी भी रिएक्शन की फेवरेबल या नॉन फेवरेबल नेचर को देखने के लिए हम उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी को कंपेयर करते हैं किसकी एनर्जी के साथ, प्रोडक्ट्स की एनर्जी के साथ। और अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आए, इस केस में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन फेवरेबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर आपके पास ये वैल्यू प्लस में आ रही है, इट मींस कि ये रिएक्शन आपके पास नॉन फेवरेबल या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये नॉन फेवरेबल या नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है वो आपको अब बेहतर आइडिया हो रहा है, बिकॉज आपके सामने यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की एनर्जी वैल्यूज गिवन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बायोएनर्जेटिक्स है उसमें इस चीज को क्लियर करने के लिए हम एक डायग्राम यूज करते हैं, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। ठीक है, जिसमें आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को दो कोऑर्डिनेट्स पे रख के फिर उसका डिफरेंस लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट आप असाइन कर देते हो सपोज रिएक्टेंट्स को, और दूसरा कोऑर्डिनेट आप असाइन कर देते हो किसको, प्रोडक्ट को। इसी तरह आप यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। अब सपोज आपके पास यहाँ पे आपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम देखनी है, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स आपके पास हाई एनर्जी वैल्यू पे होंगे और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। इट मींस कि यहाँ पे आपका जो पाथ है वो सिंपल पाथ है। इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में जाते हुए एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी कितनी एनर्जी होगी, इन दोनों का डिफरेंस। यानी यहां पे अगर आप देखो, सॉरी यहां पे आपके पास एनर्जी वैल्यू होगी और यहां पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो यहां पे अगर आप इनको देखो तो ये आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और यहां पे आपके पास क्या चीज है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। और एक्चुअली ये रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करेगा या उसमें एनर्जी यूज होगी, या हम इन दोनों का डिफरेंस लेके करते हैं ना, इस केस में ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास क्या होगी, डेल्टा जी इस रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, और ये आपके पास डिफरेंस। दूसरी तरफ आप अगर इसी रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, दूसरा जो आपके पास रिएक्शन है इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम के ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू लो है और प्रोडक्ट्स एक हाई एनर्जी स्टेट में है। इसका मतलब है कि इस पाथ को क्रॉस करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स पे जाने के लिए आपको इनपुट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस मच एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करोगे डेल्टा जी, तो तब ये रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, सो यहां से हमने ये चीज कंक्लूड की कि हमारे पास जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसकी जो डेल्टा जी वैल्यू है वो डेल्टा जी वैल्यू हमें उसकी फेवरेबल या नॉन फेवरेबल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके, अब फ्री एनर्जी और बाकी एनर्जी में क्या डिफरेंस है, और हम सिर्फ फ्री एनर्जी को ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी की कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं जो कि वर्क परफॉर्म नहीं करते, जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल हीट है। ठीक है, हीट बाकी सिस्टम्स के अंदर तो यूजफुल है, लेकिन हमारी बॉडी में उसका जो है
वो किसी किस्म के केमिकल रिएक्शन को ड्राइव करने में कोई रोल नहीं। सो आपके पास एनर्जी की वो अमाउंट जो कि किसी सिस्टम के अंदर वर्क परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हो, फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। और इसको आप किस साइन, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, जी से। और हमने चूंकि रिएक्शन के अंदर डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी देखा है, तो इसलिए हम रिएक्शन की फेवरेबल या नॉन फेवरेबल नेचर को देखने के लिए डेल्टा जी को यूज करते हैं, विच इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर हुआ? ठीक है। सो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आता है, तो वो रिएक्शन एक्सर्गोनिक है। इट मींस कि उसमें एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी, अब आपको बेहतर पता है, क्योंकि उस केस में रिएक्टेंट्स कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट सिंपल है, और जो एनर्जी बच जाएगी रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद, वो रिलीज हो जाए। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास जो चेंज है या डिफरेंस है फ्री एनर्जी का, वो पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी है उस रिएक्शन को फैसिलिटेट करनी। नेक्स्ट है आपके पास एंथैल्पी, जो कि एक्चुअली हम फिजिकल सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के साथ कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। जिन सिस्टम्स के अंदर हीट भी वर्क का पोटेंशियल रखती है, या जिन सिस्टम्स के लिए हीट भी इम्पोर्टेंट है, वहां पे एनर्जी चेंजेस के साथ साथ हीट के चेंजेस को भी ऑब्जर्व किया जाता है, और हीट के चेंजेस को हमेशा एंथैल्पी की जो टर्म है उसमें कैलकुलेट किया जाता है। यानी जिस तरह अभी मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को कंपेयर किया है, उसी तरह से आप केमिकल या फिजिकल सिस्टम्स में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको देखते हो, और उन बॉन्ड्स की जो हीट है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और उसमें कितनी हीट है उसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है। और फिर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, अगर तो आपके पास डिफरेंस नेगेटिव में आता है, लाइक आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो जब प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उस केस में वो हीट को रिलीज करते हैं, तो इस किस्म के रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। और अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसको आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक। ठीक है। सो एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये डिफरेंट है। ठीक है। एंडर का हम यूज करते हैं प्रीफिक्स जब हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, और एक्सो और एंडो तब यूज करते हैं जब हम हीट की कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्रोपी, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये डिसऑर्डर है, रैंडमनेस है, और जो है ये हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है। यूनिवर्स के अंदर हमेशा ये इंक्रीज होती है। अब हमें तीन टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की है, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, और इसके बाद एंट्रोपी। सो इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को हम रिलेट करते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू। यानी अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी वैल्यू या फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इस केस के अंदर आप सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स की फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो जहां पे आपके पास जो हीट है वो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, चूंकि मैंने कहा कि हीट किसी किस्म का वर्क परफॉर्म नहीं करती, सो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए फ्री एनर्जी की कैलकुलेशन एक डिफरेंट मेथड के थ्रू होती है, जिसमें हम अभी आते हैं। ये एनर्जी आपके पास कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है। अब सिंपल फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में एक चीज का डिफरेंस माइंड रखिएगा। अब स्टैंडर्ड का यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो पहले ही आपको एक चीज बता रहे हैं कि इसमें हमने कुछ कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज किया है, यानी ये ऐसी फ्री एनर्जी है जिसको आप किसी रिएक्शन को कॉन्स्टेंट कंडीशन में रख के फिर ये फ्री एनर्जी कैलकुलेट करोगे। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने का जो रेट है उसे टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशंस भी इफेक्ट करती हैं, प्रेशर भी इफेक्ट करता है। सो अगर आप यहाँ पे C
सिंपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ताकि उनके इफेक्ट को आप इग्नोर कर सको, उस इफेक्ट को आप नलीफाई कर सको. सो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एक ऐसा फ्री एनर्जी चेंज है जिसमें अगेन आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करते हो. लेकिन इस केस में ये कंपैरिजन एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे होता है. यानी ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी. अगर आपने एक रिएक्शन को इसमें स्टडी किया, दूसरे रिएक्शन को भी इसी पे स्टडी करोगे, तीसरे रिएक्शन को भी इस पे स्टडी करोगे. यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना. और इसमें हमेशा आप रिएक्टेंट की इक्वल कंसंट्रेशन से स्टार्ट करोगे. अगर आपने 1 मोलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली तो आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर 25 डिग्री सी टेम्परेचर, 1 एटीएम प्रेशर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर पे उस रिएक्शन की इतनी स्पॉन्टेनिटी थी, इतनी उसकी फेवरेबल नेचर थी. या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था. समझ आया इस बात की? ठीक है. सो इस एनर्जी को आप क्या कहते हो? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. अब ये जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यूज हैं डेल्टा जी, ये ऑलरेडी जो है वो नोन है, कैलकुलेटेड है सारे रिएक्शन के लिए. आपके पास ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है, पीसीए साइकिल का रिएक्शन है, ये जो भी रिएक्शन है ये बायोकेमिस्ट ने ऑलरेडी उनको इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे स्टडी करके रिपोर्ट किया हुआ है. सो आपके पास एक टेबुलर फॉर्म के अंदर इन सब की डेल्टा जी नॉट वैल्यूज. पहले मैंने सिर्फ डेल्टा जी की बात की थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड की प्रीफिक्स यूज किया तो मैंने इसके ऊपर ये साइन लगा दिया विच इज डेल्टा जी नॉट. इट मीन्स कि इस केस में ये कंडीशन होंगी. ठीक है. सो ये हमारे पास नोन है क्योंकि कंडीशन सेम है, सेम कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ये चेंज नहीं होगी. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. सो अगर आपने किसी रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट वैल्यू या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पता होना. ठीक है. अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको कहते हैं. सपोज आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्ट करता है विद दी रिएक्टेंट बी और प्रोडक्ट सी और डी सिंथेसाइज होती है. इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो अमोनिया की फॉर्मेशन, सिर्फ इसको समझने के लिए, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और क्या चीज बनाते हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है. सो ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और इसके साथ आपके पास यहाँ पे उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स, हाइड्रोजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स सिंथेसाइज करेंगे. इसी तरह से अगर किसी भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन के सामने हम इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स लिख लें तो ये होंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी. ठीक है. ये नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के. अब मैंने आपसे ये कहा है कि आप इस केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो. आप ये देखना चाहते हो कि इस रिएक्शन की नेचर क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं. उसके लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड है. सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि K इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों आप लोगों के पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आप कंसंट्रेशंस को कंपेयर करते हो. किनकी कंसंट्रेशंस? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को कंपेयर करते हो जब आपका रिएक्शन किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में. ठीक है. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर नंबर ऑफ मोल्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर नंबर ऑफ मोल्स. और अगर आपके पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है,
सपोज इस रिएक्शन में आपके पास के इक्विलिब्रियम अगर कैलकुलेट करते हो तो प्रोडक्ट में आपके पास सी है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्मॉल सी, और एक और प्रोडक्ट भी है ठीक है उसकी कंसेंट्रेशन भी आप लोगे डी और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्मॉल डी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। सो आप ये कह सकते हो यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स को भी लिख लें, और उसके बाद मैं सी से आती हूँ, ए रेस टू ए बी रेस टू बी, और यहाँ पे भी ये दोनों आपस में क्या हो गया मल्टीप्लाई। सो आप कह सकते हो कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या के इक्विलिब्रियम ये क्या है रेशियो है, किस चीज की रेशियो है प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेस टू देयर नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू देयर नंबर ऑफ, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन आपके पास यूनिटलेस एक्सप्रेशन भी हो सकता है, उसमें यूनिट्स हो भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। लाइक इस केस में आपके पास अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स है तो उसमें आपके पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के साथ किसी किस्म के यूनिट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स के यूनिट्स ज्यादा हैं, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रिएक्टेंट्स के कम हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास यूनिट्स आएंगे। इसी तरह से अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो आपके पास फिर भी इसके यूनिट्स आएंगे, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है जिसमें ऑप्शंस हैं कि यूनिटलेस एक्सप्रेशन भी हो सकता है और इसमें यूनिट्स आ भी सकते हैं। मोल्स कंसंट्रेशन है ना, मोल्स पर डीएमपी। ओके अब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम जब आपने कैलकुलेट किया, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के बाद इसका मतलब है कि के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए आपको रिएक्शन की इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन का पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसमें प्रोडक्ट्स की कितनी कंसेंट्रेशन है और रिएक्टेंट्स की कितनी कंसेंट्रेशन है, तब आप उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। और जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आप उसकी डेल्टा जी वैल्यू को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। और किस तरह से डेल्टा जी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो उसके लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है विच इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है आपके पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, लाइक ये तो आपको पता चल गया कि के इक्विलिब्रियम की जो भी वैल्यू आएगी आप उसका लॉग ले लोगे। ये आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, जो कि 25 डिग्री सी होगा, कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरी तरफ आपके पास आर है जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ये भी आपके पास क्या है कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है 25 डिग्री सी, लेकिन आप इसको हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके 298 केल्विन लिखोगे और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लिख सकते हो। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट वैल्यू चेंज होगी अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, बिकॉज बाकी एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहे, ना टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं ना जनरल गैस कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस चेंज हुई तो उसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। और हमारे पास एक्चुअली जो डेल्टा जी नॉट है इसका और के इक्विलिब्रियम का एक रिलेशनशिप भी हम अभी निकालते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन, और ये कि जितने भी सिस्टम्स एनर्जी ट्रांसक्रिप्शंस को ओबे करते हैं या उसको फॉलो करते हैं वो टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। उसके बाद हमने एनर्जीज को देखा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को देखने के लिए एक्चुअली हम करते क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अगर आपके पास डिफरेंस नेगेटिव में आता है, डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो वो रिएक्शन एक्सर्गोनिक है, इट मींस कि वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और अगर आपके पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, प्लस में आती है, इसका मतलब है कि वो आपके पास एक एंडरगोनिक रिएक्शन है और वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब है कि डेल्टा जी नॉट जो है, अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें कुछ मीनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है अबाउट रिएक्शन, कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। सो पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें इस डेल्टा जी नॉट से मिल रही है
वो क्या है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में। और ये इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, डेल्टा जी नॉट के साथ लगे हुए जो साइंस है प्लस या माइनस। सो हमने डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट किया कि रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल के हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद उसके मीनिंग्स क्या होंगे। अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन फेवरेबल, तब तक नहीं होगा जब तक एनर्जी प्रोवाइड होगी। अगर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है, इट मींस इसको इनपुट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं। सो पहले हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में डेल्टा जी नॉट निकालना। लेकिन इसके अलावा डेल्टा जी नॉट हमें रिएक्शन के रेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिएक्शन की स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये चीज ही बताता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कोई रिएक्शन प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाएगा, रिएक्टेंट्स को ज्यादा बनाएगा, या उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी। अब ये हमें कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है, या उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल है। यानी इसमें ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इन्हीं वैल्यूज के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम डेल्टा जी नॉट को रिलेट करते हैं के इक्विलिब्रियम के साथ। इन तीनों को एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है, तीन आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, 1, 2 एंड 3। कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन ऐसा था, अगेन यहाँ पे हम ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी और वही नंबर आप मोल्स लेंगे जो इससे पहले के इक्विलिब्रियम के लिए दिए। अगर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है इस रिएक्शन के अंदर और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम है, इससे हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी माइंड में चेंज करती है ना कि हो सकता है रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी ज्यादा हो, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं, रिएक्टेंट्स पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्होंने इनफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट खुद से ही बना लिया। इसलिए जब आप रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो उसका के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हो तो के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हुए आपको ये चीज पता चलती है कि इस मोमेंट के ऊपर इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। सपोज यहाँ पे आपके पास 1 मोल्स हैं और यहाँ पे 0.5 मोल्स हैं, इस केस में आपके पास के इक्विलिब्रियम का आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है, इसको अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसमें अगेन इसी रिएक्शन को अगर हम लेते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट्स ए प्लस बी प्रोडक्ट सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है तो आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो, दिस टाइम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के पास चांस था कि वो आपस में रिएक्ट करते, प्रोडक्ट बनाते, बट किसी चीज की डेफिशिएंसी है, शायद एनर्जी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होने का रेट कम है। इसलिए जब रिएक्शन को आपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे ऑब्जर्व किया है, इसका मतलब है कि बहुत से रिएक्टेंट्स अभी भी प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सके, वो अभी भी रिएक्टेंट्स की फॉर्म में है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत कम है। तो इस केस में जब आप ए इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे तो आप ये चीज देखोगे कि दिस टाइम आपकी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लो है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। सपोज यहाँ पे आपके पास 0.5 और यहाँ पे 1 मोलर, क्या आंसर आएगा, 0.5। ठीक है, और थर्ड आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें अगेन अगर आप इसी को लेते हो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसमें आप ये देखते हो कि दोनों रिएक्शंस के रेट इक्वल,
जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी जितनी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उतनी कंसेंट्रेशन में रिएक्टेंट्स हैं, इक्वल कंसेंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम पे आप ऑब्जर्व करते हो। सो जब आप के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे तो के इक्विलिब्रियम में इक्वल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और इक्वल कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की, 1/1 आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। यानी आपके पास रिएक्शन तीन पॉसिबिलिटीज ही हो सकती है ना, तीनों मैंने आपके सामने लिखी है। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन ज्यादा होती है उसका के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जाग जाए। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, और आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन कम है। क्यों कम है ये भी हमने प्रिडिक्ट कर लिया। इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आएगा। ठीक है, और दूसरी तीसरी तरफ आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों इक्वल है और आपके पास यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा। इक्वल कंसेंट्रेशन है ना, तो 1 आएगा। अब इन तीनों तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए हम डेल्टा जी को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, कैलकुलेट करें। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT log K इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आपके पास आएगा -8.314 298 log 2। जी बच्चों ये कैलकुलेट करने आपने बातें नहीं करनी। जी बच्चों इन तीनों वैल्यूज को आप करो जरा सॉल्व। इन तीन पॉसिबिलिटीज के ऊपर पहले हमने जो है वो के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट किया और के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के बाद हमने डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन दिया। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, पहले हमने ये कहा था वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करता है। इट मींस कि उसमें प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी ज्यादा है और वो प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपके पास ये रिएक्शन जिसमें हमने के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया था और ये देखा था कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम थी, रिएक्टेंट ज्यादा थी। हमने ये प्रेडिक्ट किया क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स को एनर्जी नहीं मिल रही थी तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम है, इसका मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा ना। सो अगर किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आ रहा है उसकी डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आएगी और पॉजिटिव डेल्टा जी वैल्यू हमें ये बताती है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, जब तक एनर्जी नहीं दोगे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, रिएक्टेंट से क्यूमुलेट होते जाएंगे। और थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास ऐसी है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल थी, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 था, सो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आई, 0 आई। इसका मतलब है इस केस में ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना बैकवर्ड, अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जा भी आए तो इक्वल रेट से जा, तो आपके पास जो डेल्टा जी नॉट है वो क्या होगा, 0। रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है जिसमें कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या है, सेम है या इक्वल है। तो आप यहां से एक्चुअली कंपेयर कर सकते हो इनके दरमियान रिलेशनशिप कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगी और ये इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इक्वल टू 5 है डेल्टा जी नॉट 0 है और ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और अगर आपके पास लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव है और इट मींस कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन।